हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। बात करेंगे आज की वीडियो में हम टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील की, जिसके ऊपर मेन इम्पैक्ट हमेशा पड़ता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी का। इन दो ड्यूटीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है स्टॉक के प्राइस पे हमें बार बार देखने को मिलता है, और टाटा स्टील जो है एक बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है। हालांकि कंपनी बहुत बड़ी है टाटा ग्रुप की, और आज की क्लोजिंग की अगर बात करें तो 1% के आसपास की तेजी रही, 118 रुपये पर क्लोजिंग है, जहां प्रीवियस क्लोजिंग 117 रुपये पर देखने को मिली थी। 5 दिन की बात करें तो स्टॉक के अंदर जो है ऑलमोस्ट 2% के आसपास का उछाल रहा। 1 महीने की बात करें तो 3% के आसपास के रिटर्न्स निकाल कर दिए, जबकि 6 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 8.5% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली कंपनी की तरफ से आप लोगों को पता होगा कि 2022 के अंदर जो है स्प्लिट दिया गया था, उससे पहले स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 950 की रेंज में था, और उसके बाद स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 89 के आसपास हमें देखने को मिला था। बात करें अगर 1 साल के रिटर्न्स की तो सिर्फ 11.5% के आसपास के रिटर्न्स जो है बीते 1 साल के अंदर टाटा स्टील ने बनाकर दिए। 5 साल की बात करें तो 106%, और मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर बात करें तो 1610% के रिटर्न्स हैं। लेकिन अरसा देखिए लंबा बहुत हो चुका है, स्टॉक में गिरावट बहुत ज़्यादा बीच बीच में हुई है, रिकवरी भी दिखाई है, लेकिन इस स्टॉक को होल्ड करने के लिए आप लोगों को मेन ज़रूरत है पेशेंस की। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो ही टाटा स्टील को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, अदरवाइज टाटा स्टील को आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अपडेट की बात करें तो टाटा स्टील शेयर्स रिकवर 25% फ्रॉम 52-week low, कैन दे हिट ₹172 mark। तो इस साल के अंदर जो है स्टॉक की परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। अगर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल बात करें तो टाटा स्टील का जो RSI है फिलहाल स्टॉक का 48.2 के अराउंड है, जो कि ना तो ओवरबोट कंडीशन में है और ना ही ओवरसोल्ड कंडीशन में है। स्टॉक का अगर बेटा देखें तो ऑलमोस्ट 1.2 के आसपास है, जो कि हाई वोलेटिलिटी दिखा रहा है। टोटल 7.29 लाख शेयर्स ऑफ द फर्म चेंज हैंड अमाउंटिंग टर्नओवर 8.65 करोड़। आज के दिन में ऑलमोस्ट 7,29,000 शेयर्स ने यहाँ पे हैंड चेंज किया है, और जो टोटल अमाउंट रही है टर्नओवर की, जो अमाउंट चेंज हुए हैं शेयर्स उनका, ऑलमोस्ट 8.65 करोड़, यानी कि 8.5 करोड़ के आसपास का यहाँ पे टोटल जो है हैंड चेंज होता हुआ देखने को मिला। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्टॉक में जो है एक अच्छा मोमेंटम जो है हमें बनता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि अगर एनालिस्ट की बात करें तो देखिए टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट जो है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1122108 वन कैन फिक्स द स्टॉप लॉस ऑफ 123, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि 120-130 की रेंज में जो है हमें टाटा स्टील का शेयर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3,000 से 4,000 का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, साथ में स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसपे मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूँ, और इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप प्रॉफिट प्लस लर्निंग दोनों ही कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।